तस्वीरें हैं पानीपत के मॉडल टाउन के इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आज सुबह एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बड़ी ही तेज गति से आकर एक फैक्ट्री की दीवार में जा टकराई। गनीमत तो ये रही कि ये गाड़ी किसी और गाड़ी से नहीं टकराई, वरना ना जाने क्या होता। गनीमत तो ये भी रही कि जिस वक्त गाड़ी फैक्ट्री की दीवार से टकराई, उसी वक्त गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए, जिसकी वजह से कार चालक बाल बाल बच गया। लेकिन कार चालक को कब, किसने, कहां, कौन से अस्पताल में पहुंचाया, ये जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। वहीं चेक करने पर ये जरूर पता लगा है कि ये गाड़ी नरेश ढींगड़ा के नाम पर है और इस गाड़ी का नंबर है HR06AU0047। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब वो सुबह 7:30 बजे पहुंचा तो देखा कि गाड़ी बड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। हम सुबह चाय सेवा करने के रोज 7:30 बजे यहाँ पर, आज सुबह तो हमें देखा है गाड़ी यहाँ पर लगी पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया इस गाड़ी का, पता नहीं जो ड्राइवर वगैरह है चले गए, इसकी ज़्यादा जानकारी तो हमारे पास है नहीं। अभी चोट लगी है ड्राइवर को? अभी देखा नहीं हमने उनको ना, हम तो आए तो 7:30 बजे से पहले एक्सीडेंट हो चुका है। जब आप आए तो क्या हालत थी? हालत यही है, देखिए यहाँ पर गाड़ी ठुकी पड़ी है, इसने जो आप तोड़ दी है यही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर्च्यूनर गाड़ी जिस तरह से दीवार से जा टकराई, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की स्पीड कितनी तेज रही होगी, क्योंकि गाड़ी के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं और साथ ही एयरबैग्स खुले हैं। गनीमत तो ये भी रही कि ये कार किसी राह चलते व्यक्ति से नहीं टकराई और ना ही किसी और गाड़ी से, वरना हादसा बड़ा ही भयानक होता। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।